पहले मैं भी कॉटन का कपड़ा यूज़ करती थी किचन को क्लीन करने के लिए, जैसे कि किचन प्लेटफॉर्म हो गया, डिब्बे हो गए, और जो भी अपने मिरर होते हैं उनको साफ़ करने के लिए कॉटन का कपड़ा यूज़ करती थी। जब उसे वॉश करती थी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती थी, ऑलरेडी उसमें डस्ट चिपका होता था और उसे धोने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। फाइनली मुझे एक कुछ सर्च करना था तो मैंने इंटरनेट की हेल्प ली और वहाँ से सर्च किया ओरिगैमी नॉन वोवन किचन टॉवल। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका, आप देख रहे हैं किचन रेसिपी बाय सारिका। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ ओरिगैमी नॉन वोवन किचन टॉवल। 23 सेंटीमीटर का है ये, वॉशेबल है और रीयूजेबल है। इनका पेज भी है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे है, एड्रेस दिया हुआ, फीडबैक आप ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जिससे आप यहाँ पे सब चीज़ें देख सकते हैं। और मैं आपको डिटेल में ये बता देती हूँ, उससे पहले मैं इसकी कर देती हूँ अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करना बहुत ही ईजी है, पर मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है मोबाइल का जिससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, पर कोई बात नहीं, ये काम है मेरा और ये मैं कर लूँगी बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे मैंने कटर यूज़ कर रही हूँ, ये नॉर्मल सा कटर है पर मुझे कैंची यूज़ करना था तो यहाँ पे मैंने इसको काट लिया इस टाइप से। ओ माय गॉड, अंदर से कहीं पेपर कट नहीं जाए। तो ये पेपर बहुत ही थिन पतला सा एक पेपर आता है जिसे हम टॉवल के नाम से इसे जानते हैं, और ये आपके किचन और आप टीवी यूनिट हो गई, आपकी फ्रिज हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, उन सब पे आप अगर आप इससे पोंछते हैं तो बहुत इजीली और बहुत कन्वीनियंट है ये पोंछना, जिसे आप फिर से इसे वॉश करेंगे तो इजीली वॉश हो जाता है। तो कोई तामझाम नहीं है इसमें, आपको विम लिक्विड भी नहीं लगाना होता, ये कोई डिटर्जेंट भी नहीं लगाना होता, नॉर्मल टैप के वाटर से आप इसे क्लीन करेंगे और बस आपका जो उसमें डस्ट निकला हुआ लग गया है वो निकल जाएगा और आप इसे फिर से यूज़ कर सकते हो। एक दो बार नहीं, कम से कम 5 से 8 बार आप इसे यूज़ कर सकते। और इसकी अगर आप प्राइस जान लेंगे ना तो आप सोचेंगे इसकी प्राइस कितनी कम है उस हिसाब से। तो कॉटन का हम कोई क्लॉथ यूज़ करते हैं तो उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 50-60 रुपये का तो आता ही हो, उसके बाद जो धोना पड़ता है ना उसे रगड़ के, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत में आता है। तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी थी क्योंकि उसे करने से मेरे हाथ और ख़राब हो रहे थे। फाइनली मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिल गया है, ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने इसकी कर दी अनबॉक्सिंग और ये आप देख सकते हैं बहुत ही पतला सा एक पेपर है। आपको लगेगा ये किस काम का है पर ये बहुत ही ज़्यादा काम का पेपर है। इसे आप इससे सारी चीज़ें हो जाए, अगर सपोज़ आपका ऑयल फैल गया है प्लेटफॉर्म पे तो आप इसे डाल दीजिए, सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं फैला तो नहीं सकती हूँ उसे दिखाने के लिए आपको, पर मुझे ये पता है, मेरा एक बार ऐसे हो चुका है, मैंने मुझसे ऑयल गिर गया था और मैंने इससे पोंछा तो ईजिली पूछ गया था। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ये पेपर जो है जिसे हम टॉवल के नाम से जानते हैं ये बहुत ही अच्छा है और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पे, लास्ट में बताऊँगी आपको इसकी प्राइस क्या है। अब सबसे पहले इस डब्बे को हम साफ़ कर लेते हैं। ये जो डब्बा है ये स्टील का है, स्टेनलेस स्टील का, इसमें थोड़े से दाग हैं, सपोज़ कीजिए इसमें डस्ट चिपका हुआ है तो बस इसे आप ऐसे पोंछना है आपको, वाइप करके थोड़ा सा पानी से आप इस कपड़े में लगा लीजिए और आप देख सकते हैं कितना शाइनिंग मार रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने शाइनिंग मारते हुए इसका, सॉरी मैंने मारा नहीं है, मतलब इससे पोंछा तो इसने शाइनिंग मारना शुरू कर दिया और इजीली ये पूछता चला जा रहा है। आपका कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे इसमें। और कई बार क्या होता है, हम पूरे डब्बे साफ़ करने नहीं चाहते, सिर्फ थोड़े बहुत डेली के करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और आप चाहते नहीं हैं कि पूरे डब्बे को अच्छे से वॉश करें अंदर से, तो वो भी उससे भी आप बच सकते हैं ये सब करने से। तो यहाँ पे एक तो ये चमकदार डब्बा आपका तैयार हो जाएगा और आप इसको डेली ऐसे साफ करेंगे तो अच्छा भी लगेगा देखने, क्योंकि जब हम ऑयल डिस्पेंसर यूज़ करते हैं और पराठे बनाते हैं तो उस समय साइड में ऑयल डिस्पेंसर के भी लीक हो जाता है, उसको भी पोंछते हैं सब चीज़ों को, तो बहुत क्लीन किचन लगती है और वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये जो टॉवल है बहुत यूज़ होने वाली है आपके किचन के लिए। तो अब इसे हम वॉश कर लेते हैं नॉर्मल से वाटर से। आप मेरे किचन की देख के माइंड मत कीजिएगा क्योंकि किचन है काफ़ी पुराना, पर मुझे करना है यूट्यूब पे काम तो इससे ये सब मेरी कोई मायने नहीं रखता, मुझे है काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली ये साफ़ हो गया।
अब चलते हम और चीज़ें क्या साफ़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरा बड़ा सा डबल बेड है जिसमें मैं अकेले सोती हूँ, और यहाँ पे ये एक मेरी चिंकू सी थी, उसने ये मुझे डॉल दी थी, वो रखी हुई है मेरे पास। तो ये डबल बेड के पास आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब डस्ट हो जाती है उसे क्लीन करने के लिए कौन करेगा, तो ये देखिए कितना ज़्यादा डस्ट हो गया है। सिर्फ ये 2-3 दिन की डस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि ये ट्रैफिक वाला एरिया है। बोलते समय भी मुझे ये वॉइस ओवर भी मुझे 2 से 3 बजे करना पड़ता है, इतनी वॉइस आती है यहाँ पे, नहीं तो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं होगी और मेरे वीडियोस बने ही नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डस्ट कितना ज़्यादा है, सिर्फ 2 दिन में ये यहाँ पे डस्ट निकल रहा है।